हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ई मैंगोज अराउंड द ईयर। तो आज इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन अभी हम आपको देंगे। अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है स्पॉयलेज। तो स्पॉयलेज में हम ये बात करने वाले हैं कि हमारे पास को जो खाना है वो कैसे ख़राब होता है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बहुत बहुत छोटे छोटे जो कीटाणु या बैक्टीरिया या फंगल ये सब चीज़ होती हैं, तो ये किस किन कंडीशंस में अपने आप को बढ़ाती हैं। थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है व्हाट वी कैन डू टू स्टॉप फूड गेटिंग स्पॉइल्ड, कि हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से फूड जो है वो हमारा ख़राब होने से बच जाए। ये तीनों पॉइंट हो गए। अब इसके आगे हम फोर्थ पॉइंट पढ़ने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन, कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है, कि हम फूड जो होता है हमारे पास उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। हाउ डू प्रिपेयर मिमिंडी टेंड्रा, ये मिमिंडी टेंड्रा आम पापड़ को बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में इसको मिमिंडी टेंड्रा बोला जाता है, इसको हम कैसे बनाते हैं। सिक्स पॉइंट आता है हमारे पास व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स वी गेट फ्रॉम मैंगो, कि क्या अलग अलग चीज़ें हैं जो हम मैंगो से ले सकते हैं। अब सेवन्थ पॉइंट आता है व्हाट आर माइक्रो, और जो लास्ट पॉइंट हमारे पास कि इसमें हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज़ फूड स्पॉयलेज, कि फूड स्पॉयलेज क्या होता है, फूड ख़राब कैसे होता है। स्पॉयलेज मतलब होता है ख़राब। तो द कंडीशन व्हेन आवर फूड बिकम अनफिट फॉर आवर कंजम्पशन इज कॉल्ड फूड स्पॉयलेज, कि वो कंडीशन जब हमारा फूड हमारे लिए अनफिट हो जाता है, ख़राब हो जाता है हमारे लिए, और जिसकी जिस और उसको हम कंजम्पशन उसको हम खा नहीं सकते, तब क्या कहलाता है, वो कहलाता है फूड स्पॉयलेज। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, फूड जो है ख़राब हो चुका होता है और हम उसको खा नहीं पाते हैं। सेकेंड हमारा सामने आता है फूड गेट स्पॉयल बिकॉज ऑफ ग्रोइंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट, कि अब ये कह रहे हैं कि जो फूड होता है जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है या बढ़ जाती है, तब हमारा फूड क्या हो जाता है, ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक तरह की, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, एल्गी हो सकते हैं। अभी आगे हम वीडियो के एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, किस कितने टाइप के होते हैं। तो आपको ये पता लग गया कि जो फूड होता है इन दो तरीके से स्पॉयल हो सकता है। अब हमारे पास आता है व्हाट आर द कंडीशंस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो, कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप में ग्रो करते हैं। तो पहली कंडीशन हमारे पास आती है प्रेजेंस ऑफ एयर, कि जहाँ पर एयर की प्रेजेंस रहेगी वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अपने आप को बढ़ाएंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे। सेकेंड हमारे पास आता है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब जहाँ पर वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा होगी या जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होगा, नमी ज़्यादा होगी, वहाँ पर भी क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को बढ़ाएंगे और बढ़ाकर अपनी अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो संख्या है उसको बढ़ाने बढ़ा लेंगे पूरी तरह से। थर्ड आती है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ वार्म टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर जहाँ पर बहुत ज़्यादा वार्म होगा वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी ये चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को बहुत अच्छे से बढ़ाने में सक्षम है, वो अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन फैक्टर्स हमें मैंने आपको बताए हैं जिनकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को बढ़ा सकते हैं। पहला है प्रेजेंस ऑफ एयर, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और थर्ड है प्रेजेंस ऑफ वार्म टेम्परेचर। यानी कि तीन, अगर हम इन तीन चीज़ों से अगर हम अपने किसी फूड को या कोई भी चीज़ है उसको बचा सकते हैं, तो हम अपने जो है फूड को सेव कर पाएंगे, अगर हम ये तीन प्रिकॉशंस रख लें। अब आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द एयर बट वी कैनॉट सी देम विद अवर आईज, व्हाई दे गेट मोस्ट इन्वायरमेंट एंड वार्म टेम्परेचर दे स्टार्ट टू ग्रो। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहे हैं कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, वो कहीं पर भी एयर में प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन हम उनको अपनी जो आईज़ हैं उनसे नहीं देख सकते। एक तरीके का इक्विपमेंट आता है उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं उसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अगर मॉइस्ट इन्वायरमेंट मिल जाए, यानी कि नमी वाला वातावरण मिल जाए, और टेम्परेचर वार्म टेम्परेचर मिल जाए, तो वो अपने आप को बढ़ाने में सक्षम होते हैं, वो अपने आप को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। और आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट वी कैन डू टू स्टॉप फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड।
प्रोवाइड कि हम अपने फूड को कैसे बचा सकते हैं कि जिसकी वजह से वो फूड खराब ना हो और बचा रहे। तो हमारे पास कुछ जो है हम आपकी स्क्रीन पर चार पॉइंट्स दिखे होंगे ब्लैक कलर में, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड को बचा सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हमारे पास है रिमूव द मॉइस्चर, कि मॉइस्चर को अगर हम किसी चीज अपने आर्टिकल में से किसी भी फूड आइटम से रिमूव कर दें तो वो क्या होगा, बिल्कुल हमारा फूड जो है वो स्पॉइल्ड होने से बच जाएगा, पूरा सिक्योर रहेगा। सेकंड है रिमूव वार्म टेम्परेचर, कि टेम्परेचर अगर हम अपने उसके जो आर्टिकल है हमारे पास उसका वार्म टेम्परेचर से बचा लें तब भी वो क्या हो जाएगा, ख़राब होने से हमारा फूड बच जाएगा। रिमूव द एयर, कि जो अगर हम उसमें से एयर को रिमूव कर दें तब भी हम अपने फूड को बचा सकते हैं, ठीक है। और एड प्रिजर्वेटिव, तो अगर हम अपने खाने में प्रिजर्वेटिव मिला कर रख देते हैं तब भी हम अपने खाने को या जो भी आर्टिकल है उसको बचा सकते हैं। प्रिजर्वेटिव भी एक तरीके की खाने को बचाने के लिए यूज़ हुआ करते हैं, उनके बारे में हम भी आपको बताएंगे कि प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। अभी आपने एक टॉपिक देखा था, अभी एक जो हमने फूड अपने फूड को बचाने के लिए एक हमारे पास चीज़ देखा था उसमें लिखा था कि फूड प्रिजर्वेटिव जो है उनको हम प्रिजर्वेटिव की वजह से बचा सकते हैं, कि प्रिजर्वेटिव मिलाकर उनको बचा सकते हैं। तो क्या होते हैं ये फूड प्रिजर्वेटिव्स, तो व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन, कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है। दिस द मेथड बाय विच वी कैन डिले और प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेट स्पॉइल्ड, कि वो मेथड है जिससे कि हम अपने फूड को खराब होने से बचा सकते हैं और उसको खराब होने से उसको डिले कर सकते हैं, ये वो मेथड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने फूड को खराब होने से बचा सकते हैं और कुछ समय के लिए या फिर एक लॉन्ग समय के लिए, लेकिन इसमें एक टाइम जो है हमारे पास हमेशा निश्चित रहता है, मतलब कि सर्टेन टाइम के लिए हम बचा सकते हैं किसी भी चीज़ को। अब व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, कि कौन कौन से मेथड हो सकते हैं हमारे पास जिनकी हेल्प से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड को बचा सकते हैं। तो आइए एक बार इन सबको देख लेते हैं। पहला हमारे पास है फ्रीजिंग। आपने देखा होगा अगर आपके यहाँ मिल्क है या कोई भी चीज़ आप बनाते हो और उसको आपको ज़्यादा समय तक जो है रखना है, जैसे सुबह का खाना शाम को भी खाना है, तो उसको आप फ्रिज कहाँ पर रख देते हो, फ्रिज में रख देते हो। जब आप उसको फ्रिज में रख देते हो तो उसको क्या होता है, वो ख़राब नहीं होता, उसको आप इवनिंग में भी या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में भी मतलब यूज़ में ला सकते हो, ईजिली खा सकते हो। तो यही चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम अपने फूड्स को प्रिजर्व कर सकते हैं और फूड को बचाने में ये हमारी मदद करते हैं। सेकंड हमारे पास ड्राइंग, मतलब कि उसको सुखा के, आपने देखा होगा कुछ चीज़ें आप जो है सुखा के रख लेते हैं, जैसे अचार हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ड्राई करके रखते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी जो है वो चीज़ें लॉन्ग समय तक हम अपने पास रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉल्टिंग या फिर पिकलिंग। हम किसी चीज़ को सॉल्ट लगाकर या फिर पिकलिंग कर भी रख सकते हैं, यानी कि उसका अचार या मुरब्बा बनाकर या उसमें नमक लगाकर भी उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप हमारे पास है एडिंग शुगर। आपने देखा होगा बहुत सारे मार्केट में मुरब्बाज आते हैं जिनको हम बहुत लंबे समय के लिए अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि वो उसमें क्या करते हैं, हम शुगर ऐड कर देते हैं। या फिर स्मोकिंग फूड, अब स्मोकिंग फूड मतलब उसको भून कर, कोई भी चीज़ है उसको भूनेंगे तो उसको हम जो है स्मोक कर भी लॉन्ग समय तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। कैनिंग, अब कैनिंग भी करके भी हम जो है अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। वैक्यूम प्रिजर्वेशन भी होता है हमारे पास, जिसमें कि हम जो है उसमें से पूरी हवा निकाल देते हैं, अगर कोई आर्टिकल जैसे पैक है और उसमें से पूरा वैक्यूम की हेल्प से पूरा वैक्यूम उसमें से क्लियर कर दिया, यानी कि हवा बाहर निकाल दी, तो भी हम किसी भी चीज़ को बहुत समय लंबे समय तक प्रिजर्व रख सकते हैं। और एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रिजर्वेटिव्स आते हैं जिनको मिलाकर अगर हम रखें तो हमारा खाना जो है या फिर अचार या बहुत सारी आर्टिकल्स बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं हमारे पास और वो ख़राब नहीं होंगे। तो ये सारे जो है हमारे पास फूड को प्रिजर्व करने के लिए मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं और जो है फूड हमारा ख़राब नहीं होगा। समर ट्रीट, अब हम स्टूडेंट बात कर रहे हैं समर ट्रीट की। अब इसमें आता है हमारा मिमिंडी टेंड्रा। तो क्या होता है, ये मिमिंडी टेंड्रा है आंध्रा लैंग्वेज में इसको मिमिंडी टेंड्रा बोलते हैं, किसको, आम पापड़ को। तो आम पापड़ बनाने के बारे में बताएंगे अब, कि जो चित्ती बाबू है और जो चिन्ना बाबू है वो जो है
दे लिव इन और ट्रेयापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश. द ब्रदर ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडे प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन. वेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विद सॉल्ट एंड चिली पाउडर. तो ये कह रहे हैं जो चित्ती बाबू और जो चिन्ना बाबू हैं वो अत्यापुरम टाउन में आंध्र प्रदेश में रहते हैं और जो उनके ब्रदर है ये अपनी समर हॉलीडेज मैंगो गार्डन में स्पेंड करते हैं और ये वहाँ से बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं जिनमें कि जो ये कच्चा आम भी खाते हैं और ये कच्चे आम को जो है किससे खाते हैं, नमक से और चिली पाउडर से खाते हैं. एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज. शी ऑल्सो मेक मैनी काइंड ऑफ मैंगो पिकल. द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन. वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क्ड अम्मा वी हैव टू सो मैनी मैंगोज मेक सम मिमिन डिट्रेंडा आम पापड़ फ्रॉम देम. एक बार क्या करती है उनकी मम्मा जो है कच्चे आमों से बहुत सारे डिफरेंट तरीके के जो है मैंगो पिकल्स बनाती हैं और वो जो है पूरे साल के लिए मैंगोज पिकल बना के रखती हैं जिससे कि उनको आम की जरूरत ना पड़े पूरे साल और जब तक नेक्स्ट सीजन ना आ जाए. और एक बार जो चिन्ना बाबू है वो अपनी मम्मा से कहने लगा कि जो है मम्मा आप जो है मिमिंडी ट्रेंडा बनाओ जिसको आम पापड़ कहा जाता है. अभी मैंने आपको बताया कि आंध्र लैंग्वेज में जो आम पापड़ है उसको क्या कहते हैं. अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड. बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स. दे स्प्रेड आउट एंड टायर्ड द मैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म. अम्मा क्या करती है एक पीछे जो है बैकयार्ड में एक बहुत ही धूप वाला जो है प्लेस देखती है. वहाँ पर जो दोनों भाई है वो क्या करते हैं एक हाई प्लेटफॉर्म बनाते हैं डंडों की हेल्प से, पोल्स की हेल्प से, जिस पर कि वो क्या कर सकें जो उनका जो वो है मैट बिछा सकें. मैट क्योंकि जो आम पापड़ होता है वो उसको धूप में सुखाना पड़ता है तो उसमें क्या करते हैं वो लोग वो मैट बिछाने के लिए उसको टाई करते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं. द नेक्स्ट डे अप्पा चूज मोस्ट राइप मैंगोज. दे टुक आउट एंड मैंगो पल्प इन टू अ लार्ज पॉट. देन दे स्टेन्ड द पल्प थ्रू अ फाइन मुलिन क्लोथ टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प. द चिंती बाबू क्रश द गुड जैगरी टिल देयर वर नो लम्प्स. दे एडिट द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट. तो क्या होता है नेक्स्ट डे जो उनके फादर हैं जो अप्पा हैं उनके वो जो पके हुए आम होते हैं जो सबसे ज़्यादा पके हुए आम होते हैं उसको लेकर आते हैं और वो उसका मैंगो पल्प निकालते हैं यानी कि जो आम का गुद्दा होता है उसको निकालते हैं एक पॉट में और उसको स्ट्रेंड करते हैं, उसको छानते हैं एक मुस्लिन क्लोथ से मतलब बहुत ही अच्छे क्लोथ में जो है साफ़ सुथरे में उसको छानते हैं जिससे कि उसका मैंगो पल्प सारा नीचे निकल जाए और फाइबर्स जो रेशे हैं वो ना निकलें. और जो चिंती बाबू है वो क्या करते हैं गुड़ को यानी कि जैगरी को क्रश करते हैं यानी कि तोड़ते हैं जिससे कि उसमें लम्प्स ना पड़ जाएँ और वो क्या करते हैं उसमें शुगर और जो जैगरी है यानी गुड़ और जो चीनी है उसको इक्वल अमाउंट में उसमें ऐड करते हैं. उसके बाद फोर वीक्स दे एडेड लेयर्स आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रू 4 सेंटीमीटर थिक एंड लुक लाइक अ गोल्डन केक. आफ्टर सम डेज अम्मा सेड द मिमिंडी ट्रेंडा इज रेडी, वी कैन टेक इट आउट एंड कट इन टू पीसेस टुमारो. क्या कहते हैं वो 4 हफ्ते तक उस पर लेयर्स ही लेयर्स लगाए जाते हैं जिससे कि जो जेली है वो एक उसकी थिक लेयर जब तक 4 सेंटीमीटर मोटी लेयर ना बन जाए और वो एक गोल्डन केक की तरह ना दिखना शुरू हो जाए. उसके बाद अम्मा क्या करती है उसके बाद अम्मा कहती है कि जो मिमिंडी ट्रेंडा यानी कि जो आम पापड़ है वो तैयार हो गया है, अब उसको छोटे छोटे पीसेस में कल्प को काट लिया जाएगा. द नेक्स्ट डे द मैट वॉज बॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. मिमिंडी ट्रेंडा वॉज कट इन टू स्मॉल पीसेज. द ब्रदर टेस्टेड इट, इट वॉज टेस्टी. चिन्ना बाबू सेड वाओ हाउ टेस्टी आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट. नेक्स्ट डे क्या होता है वो जो प्लेटफॉर्म उन्होंने बांधा था पोल्स की हेल्प से उसको वो नीचे उतारते हैं और जो मिमिंडी ट्रेंडा होता है हम पापड़ होता है उसको स्मॉल पीसेज में कट करते हैं जिससे कि और उसके बाद जो उनके ब्रदर उसको टेस्ट करते हैं चिन्ना बाबू वो कहते हैं वाओ ये कितना टेस्टी है ये कितना अच्छा है और उसके बाद वे सब लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. तो ये पूरा प्रोसेस था आम पापड़ बनाने का एक जिसको कि एक आंध्रा की फैमिली ने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया. आप भी अगर कभी आपको टाइम मिले स्टूडेंट्स तो इस तरह से बना के देखेगा आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा. तो आइए आगे हम अपना देखते हैं अब कि आगे क्या है.
अब हम देखते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको एक तरफ कच्चा मैंगो दिख रहा होगा, यानी कि जो राइप मैंगो है, एक तरफ एक अनराइप मैंगो है। तो हम देखेंगे कि जो अनराइप मैंगो यानी ग्रीन कलर का मैंगो है, उससे हम क्या क्या बना सकते हैं। पिकल बना सकते हैं यानी आम का अचार बना सकते हैं, आम पन्ना बना सकते हैं और मैंगो चटनी बना सकते हैं। ये तीन चीज़ें हम बना सकते हैं मैंगो, जो अनराइप मैंगो होता है यानी कि कच्चा मैंगो होता है। और जो पक्का मैंगो ये येलो कलर का दिख रहा है, उससे क्या बना सकते हैं हम, आम पापड़ बना सकते हैं, मैंगो जैम बना सकते हैं और मैंगो मिल्क शेक बना सकते हैं। यानी कि ये तीन चीज़ जो हम पके हुए आमों से बना सकते हैं और ये तीन चीज़ कच्चे आम से बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सभी ने ये लगभग अप्रोक्स सभी ने खाई होंगी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सभी मैंगो के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बहुत ही टेस्टी और यम्मी होते हैं। अब जब हम चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे। अब हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। वेरी स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स दैट वी कैन सी ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप, कि ये बहुत ही छोटे क्रिएचर्स होते हैं यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से, जिनको हम अपनी आंखों से ना देखकर किसकी हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की। आपने राइट साइड में ऊपर एक पिक्चर दी हुई है जिसको कि क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से बहुत छोटे से छोटा जो है चीज भी, पार्टिकल भी हम देख सकते हैं। सुई की नोक भी इससे हमें बहुत बड़ी दिखाई देगी। तो ये जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, इसकी हेल्प से दिया देखा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और नीचे हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें दिया गया है टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने टाइप के आपके सामने दिए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फोर टाइप के। पहला है हमारे पास बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की आपको पिक्चर दिख रही है ऑरेंज कलर की। दूसरा है फंगस, जो कि ब्लैक 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 सा दिख रहा है। थर्ड है हमारे पास वायरस और फोर्थ है एल्गी। तो वायरस हमारा पर्पल कलर का है और एल्गी हमारे पास ग्रीन कलर का है। तो ये हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी काफी डिटेल में पढ़ लिया। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, हाउ डू वी नो द फूड इज स्पॉइल्ड, कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा खाना खराब हो गया है या हमारा जो फूड है वो खराब हो चुका है। तो इसका आंसर है, पहला पॉइंट देखिए, ये आप सभी को नोटबुक में भी आज नोटबुक नोट डाउन करना है। सभी अपने नोटबुक में लिखेंगे ये वाला पूरा क्वेश्चन, द फूड स्टार्ट टू स्मेल बैड, कि जो फूड है उसमें से गंदी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, तब हमें पता लग सकता है कि हमारा फूड क्या है, खराब हो चुका है। द कलर ऑफ द फूड चेंज, वी कैन सी वाइट ग्रीन स्पॉट्स, कि जो फूड का कलर है वो भी चेंज लगेगा हमें तब, और जो है उसमें जो है वाइट या फिर ग्रीन स्पॉट्स हमें दिखाई देंगे, तब भी हम क्या कर सकते हैं, हम ये पहचान सकते हैं कि हमारा फूड जो है वो खराब हो चुका है, खराब हो चुका है। वी कैन ऑल्सो सी सम थ्रेड्स लाइक ग्रोथ ओवर द फूड, कि हमें थ्रेड्स यानी कि कुछ धागा नुमा जो है स्ट्रक्चर भी दिख सकता है हमारे फूड के ऊपर, जिसकी हेल्प से हम क्या देख सकते हैं कि हमारा फूड जो है वो क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। तो ये तीन मेजर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे और भी तरीके हैं जो जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि हमारा फूड खराब हुआ है नहीं, लेकिन ये तीन हमारे पास मेजर पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं या पहचान कर सकते हैं कि हमारा फूड क्या है, खराब हुआ है या वो अभी अच्छी कंडीशन में, खाने लायक कंडीशन में है। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स को अपनी नोटबुक में जरूर नोट करना है, ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। फूड स्पॉयलेज और फूड वेस्टेज, इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी आप लोगों को दो पॉइंट्स दोनों में लिखे हुए हैं, दो दो, ये भी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ये देखिए, फूड स्पॉयलेज क्या होता है, व्हेन द फूड हैज गॉन बैड, यानी कि जब फूड खराब हो चुका होता है उसको क्या कहा जाता है, फूड स्पॉयलेज, जब वो खाने लायक कंडीशन में ना हो उसको क्या कहते हैं, फूड स्पॉयलेज। और फूड वेस्टेज में, फूड इज गुड बट वी थ्रो इट, जब अच्छा खाना हो और उसको हम फेंक दें, जबकि वो खाने वाले एक कंडीशन में है और उसको हम फेंक दे रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, फूड वेस्टेज। यानी कि फूड स्पॉयलेज अलग चीज़ है और फूड वेस्टेज अलग चीज़ है। जब अच्छा खाना है और उसको हम फेंकते हैं तो वो आता है फूड वेस्टेज के अंडर, और जब फूड जो खाना है वो ख़राब हो रहा है और जो खाना जो है वो ख़राब होने के साथ साथ उसको हम खाने वाले कंडीशन में नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम, फूड स्पॉयलेज। वी कैन नॉट ईट स्पॉयल्ड फूड, कि जो स्पॉइल्ड फूड होता है उसको हम नहीं खा सकते क्योंकि वो ख़राब हो चुका होता है। वी कैन ईट इट, जो फूड वेस्ट फूड होता है उसको क्या कर सकते हैं, वी कैन ईट इट, कीप इट फॉर ईटिंग लेटर ऑन, और गिव इट टू पुअर पीपल इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इन डस्टबिन, कि जो स्पॉइल्ड फूड होता है उसको हम बिल्कुल नहीं खा सकते,
और जो वेस्ट फूड होता है उसको हम खा सकते हैं, और जो गरीब आदमी होते हैं, गरीब पीपल्स होते हैं, उनको दे भी सकते हैं, जिस ना कि डस्टबिन में फेंकना उसको। कि यानी कि ये अच्छी बात भी है कि जो हमारा खाना बच जाता है वो हमें कहाँ देना चाहिए, ना कि डस्टबिन में फेंकना चाहिए, वो गरीबों को दे देना चाहिए। गरीबों को देंगे तो वो यूज हो जाएगा और उनका ही पेट भर जाएगा, और डस्टबिन में फेंकेंगे तो वो वेस्ट ही होगा। तो ये एक अच्छी हैबिट है कि अगर हमारे पास फूड बच जाता है तो वो हम गरीब आदमियों को दान करें, यानी कि उनको दे दें। अब आपके सामने एक ब्रेड का लोफ का पैकेट दिख रहा है। बीजी रिटर्न द ब्रेड। बीजी ने जो है ब्रेड को क्या किया, वापस किया। अमंग्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। द स्टोर कीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमिडिएटली। क्या हुआ, एक बार जो है अमन है जो उसकी बीजी यानी कि उसकी मदर जो है वो मार्केट जाती है, और वो एक ब्रेड शॉप पर जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो जो शॉपकीपर होता है वो एक ब्रेड का पैकेट जो है उसकी मम्मा को दे देता है, लेकिन उसकी मम्मा क्या करती है, उसको एकदम से वापस कर देती हैं। क्यों वापस कर देती हैं, क्योंकि देखिए आपने एक ये ब्रेड का आप लोफ देख रहे होंगे, इसमें दो पार्टी दो स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको, ग्रीन से ब्लैक से। तो इसमें जब भी आपको ब्रेड पर कभी ऐसा ग्रीन स्पॉट या ब्लैक स्पॉट अलग से दिखाई दे तो वो ब्रेड क्या हो चुकी होगी, ख़राब हो चुकी होगी, वो यूज़ करने के लायक नहीं होगी, वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। तो वो पैकेट हमें क्या करना है, वापस करना है हमेशा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी ब्रेड लेंगे तो ये चीज़ बहुत ही अच्छे से आपको देखनी है, बहुत अच्छे से चेक करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक ब्रिटानिया का केक का पैकेट रखा हुआ है। देखिए उसमें राइट ऊपर वाले केक में ब्रिटानिया के नीचे एक लेफ्ट साइड में रेड कलर का सर्कल बना हुआ है, वाइट ये कलर के बॉक्स में। तो अगर कभी आपको ये सर्कल दिखाई दे रेड कलर का, तो ये जो चीज़ होती है ये होते हैं नॉन वेजिटेरियन थिंग्स, यानी कि इनमें एग यूज हुआ हुआ होता है। और अगर कभी आपको ये जो चीज़ है, ये जो सिंबल है, ये ग्रीन कलर का मिलता है, यानी कि जो स्पॉट है वाइट कलर में, वाइट बॉक्स में जो सर्कल है स्पॉट है, ये आपको रेड ग्रीन कलर का मिलता है, तो वो चीज़ क्या होती है, प्योरली वेजिटेरियन होती है। यानी कि जो रेड साइन है वो मार्क करता है किसको, नॉन वेजिटेरियन को, और जो ग्रीन साइन है वो मार्क करता है किसको, प्योर वेजिटेरियन को। तो इसी के साथ आपने जो है नीचे देख रहे होंगे कि नेट वेट लिखा हुआ है। नेट वेट कितने लिखा है, 130 ग्राम। जब भी कोई आर्टिकल आप लेंगे नेक्स्ट टाइम, चाहे बिस्किट लें, क्रैक्स लें, या कोई भी आर्टिकल आप अगर मार्केट से परचेज करते हैं, तो उसका वेट जरूर चेक कीजिए। और उसके बाद नीचे उसमें लिखा हुआ है क्या, MRP, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्यों, जो शॉपकीपर होता है वो आपको इस प्राइस से ज़्यादा पर कभी भी कोई चीज़ नहीं दे सकता, तो आपको ये जरूर चेक करना चाहिए। तो इसका MRP कितना लिखा हुआ है, 30 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ऑल टैक्सेस है ये 30 रुपीज़ है हमारे, तो आपको इससे ज़्यादा पे कभी किसी का नहीं करना है, आप हमेशा ये चीज़ चेक कर कर लेनी है आपको शॉप से। इसके बाद आपको PKD लिखा है, इनके पैक्ड डेट क्या है कि 24/5/2019 है पैक्ड डेट। और यानी और जो हम कोई भी आर्टिकल लेते हैं उस पर हमेशा एक्सपायरी डेट भी मेंशन होती है, वो भी हमेशा आपको चेक करनी है कि क्या जो हम आर्टिकल खरीद रहे हैं वो खाने के लिए हेल्दी है या नहीं, क्या वो एक्सपायर तो नहीं हुआ, जिसे खा के हम बीमार तो नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उस पर मेंशन होती हैं। अगर डेट ऑफ एक्सपायरी मेंशन नहीं है तो ये लिखा होगा कि कितने दिन में वो ख़राब हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने एक अब मिल्क का पैकेट है, जिसमें कि नेट वेट देखिए कितना लिखा है, 150 ग्राम। और ऐसे ही उसमें बैच नंबर लिखा हुआ है, ये कंपनी का कोड होता है, और पैक्ड ऑन 25/5/2019, और टाइम भी दिया गया है कि ये किस टाइम पैक हुआ है ये मिल्क का पैकेट। और बेस्ट बिफोर यूज़ कब लिखा है, 24/11/2019, यानी कि इसको हम 24/11/2019 से पहले अगर यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा, अदरवाइज उसके बाद अगर हम यूज़ करते हैं तो ये अपना अच्छे से रिजल्ट नहीं देगा। तो यानी कि ये चीज़ें हमें सब क्या करनी है, चेक करनी है। और देखिए इसमें MRP भी लिखा गया है, जो कितना लिखा गया है, 25। यानी कि हमें जब भी कोई आर्टिकल खरीदना है तो हमें उसकी सारी अच्छे से डिटेल चेक करनी है कि उसकी मेड ऑफ डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, MRP क्या है, कहीं वो ख़राब तो नहीं है, कहीं वो उसमें कोई वो वेजिटेरियन है नहीं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन वाला लें, और नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन वाला लें, क्योंकि आजकल मार्केट में सभी टाइप की चीज़ें अवेलेबल हैं।
इन सब चीज़ों के साथ साथ आपके पास बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स फॉर्म भी लिखे जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की भी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि इसमें क्या क्या चीज़ डली हुई है, उनको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, और उनसे उसको खाने में हमें क्या क्या चीज़ मिलेगी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कितना मिलेगा। जैसे कि आपको रैपर पे दिख रहा होगा कार्बोहाइड्रेट लिखा है 50 ग्राम्स, ऑल विच शुगर कितनी है 29.5 ग्राम, प्रोटीन कितना है 6 ग्राम, फैट कितना है 20 ग्राम, और ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं हर चीज़ पर कि उसको खाने के बाद हमें क्या क्या चीज़ कितनी मिलेगी। ऐसे ही आपके सामने एक पैकेट अब आ गया है जिसमें कि इंडिग्रेंट्स दिखे हुए हैं, कि इसमें जो है इंडिग्रेंट्स मतलब होता है कि वो चीज़ किससे मिलकर बनी हुई है, जो आप परचेज़ कर रहे हो उस चीज़ को बनाने में क्या क्या चीज़ डली है और किस किस चीज़ की हेल्प से वो बनी है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, तो आप पढ़ते रहिए।